भारत के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान डी वाई चंद्रचूड़ जी केंद्रीय कानून मंत्री मेरे साथी श्री अर्जुन राम बेघवाल जी यूके के लॉर्ड चांसलर मिस्टर एलेक्स शॉक, अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी माननीय जजिज बार काउंसिल के चेयरमैन और सदस्य विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधिगण राज्यों से आए प्रतिनिधिगण देवी और सजनों दुनिया भर की लीगल फैटर्निटी के दिग्गज लोगों को मिलना उनके दर्शन करना ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव है भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आज उपस्थित हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड और बार एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के डेलीगेट्स भी हमारे बीच हैं इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं एक तरह से इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस वसुधैव कुटुम्बकम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है इस कार्यक्रम में आए हुए सभी इंटरनेशनल गेस्ट का मैं भारत में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं जो बखूबी से इस आयोजन का दायित्व निभा रही है साथियों किसी भी देश के निर्माण में वहां की लीगल फर्टेनिटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं हमारे जो विदेशी मेहमान यहां हैं उनमें एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूं कुछ ही समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है आजादी की लड़ाई में अनेकों वकीलों ने चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो वीर सावरकर हो ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकीली थे यानी लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव के ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया और आज जब भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है उसमें भी भारत की निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देने का कानून पास किया नारी शक्ति बंधन कानून भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट की नई दिशा देगा नई ऊर्जा देगा कुछ ही दिनों पहले ही जी ट्वेंटी के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था ऐसी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भरा भारत आज 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस से काफी कुछ सीख सकेंगे फ्रेंड्स 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो बॉर्डर्स या जुरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए साइबर टेररिज्म हो मनी लॉन्ड्रिंग हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा जैसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मिलकर काम करते हैं कोई देश यह नहीं कहता तुम्हारा तुम्हारा कानून तुम्हारे यहां मेरा कानून मेरे यहां जी नहीं फिर किसी का जहाज उतरेगा ही नहीं हर कोई कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स का पालन करता है उसी तरह हमें अलग अलग डोमेन में ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना ही पड़ेगा इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में अवश्य मंथन करना चाहिए दुनिया को नई दिशा देनी चाहिए साथियों एक अहम विषय ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर का है तुषार तो जी ने इसका काफी वर्णन भी किया कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी के साथ दुनिया भर में एडीआर का चलन भी तेजी से बढ़ा है मुझे बताया गया है इस कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर भी विस्तार से बात होने वाली है भारत में तो सदियों से पंचायत के जरिए विवादों के निपटारे की व्यवस्था रही है हमारे संस्कार में रहा है इस इनफॉर्मल व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए भी भारत सरकार ने मीडिएशन एक्ट बनाया है भारत में लोक अदालत की व्यवस्था भी विवादों को हल करने की दिशा में बड़ा माध्यम है और मुझे याद है मैं जब गुजरात में था तो एवरेज एक मामला का न्याय होने तक सिर्फ पैंतीस पैसे का खर्च होता था थर्टी फाइव पैसे यानी यह व्यवस्था हमारे देश में होती है पिछले छह साल में करीब सात लाख केसेस को लोक अदालतों में सुलझाया गया है साथियों जस्टिस डिलीवरी का एक और बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है वो है भाषा और कानून की सरलता अब हम भारत सरकार में भी सोच रहे हैं कि कानून दो प्रकार से प्रस्तुत किए जाए एक जिस भाषा पे आप लोग के आदि हैं वो वाला ड्राफ्ट होगा और दूसरा देश का सामान्य मानवीय समझ सके ऐसी भाषा उसको कानून भी अपना लगना चाहिए हम कोशिश कर रहे हैं मुझे भी क्योंकि सिस्टम भी उसी ढांचे में पली बड़ी है तो उसको बाहर निकालते निकालते लेकिन हो सकता है कि अभी मुझे काफ़ी काम है मेरे पास समय भी बहुत है तो मैं करता रहूँगा कानून किस भाषा में लिखे जा रहे हैं अदालती कार्रवाई की भाषा में हो रही है ये बात न्याय सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है पहले किसी भी लॉ के ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून जैसा मैंने आपको कहा दो प्रकार से और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा सके उस दिशा में हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ आपने देखा होगा उसमें ये सिंपलीफिकेशन का हमने एक पहली शुरुआत की है और मैं पक्का मानता हूं कि सामान्य व्यक्ति को उस परिभाषा से सुविधा रहेगी भारत की न्याय व्यवस्था में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और मैं चंद्रचूड़ जी का पब्लिकली मैंने एक बार अभिनंदन किया था क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो लिटिगेंट है उसकी भाषा में हम उपलब्ध कराएंगे देखिए इतने से काम में पचहत्तर साल लग गए और ऐसे के लिए इसके लिए भी मुझे आना पड़ा मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई भी बधाई दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की व्यवस्था की है इससे भी भारत के सामान्य व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी कोई पेशेंट हो ना अगर डॉक्टर भी पेशेंट की भाषा में उसे बात करे तो आधी बीमारी ठीक हो जाती है बस यहां ये मामला बाकी है साथियों हम टेक्नोलॉजी से रिफॉर्म से न्यू जुडिशियल प्रैक्टिस से कानूनी प्रक्रिया को कैसे और अच्छा कर सकते हैं इस पर निरंतर काम होना चाहिए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने जुडिशरी सिस्टम के सामने बड़े एम्यूज बना दिए हैं थोड़े से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ही हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स सेक्टर को बहुत बड़ा बोम दिया है ऐसे में लीगल प्रोफेशनल से जुड़े लोगों को भी इस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से ज्यादा से ज्यादा जुड़ना होगा मैं आशा करता हूं कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस न्यायिक व्यवस्थाओं के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी मैं इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस सफल कार्यक्रम के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद